नमस्कार, एसबीटी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त की खास खबर। शहर में फिर अतिक्रमण हटाने की तैयारी, गठित कमेटी की बैठक 31 दिसंबर को। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने शहर में अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर ली है। हालांकि कब से अतिक्रमण हटाए जाएंगे और आगे क्या होगा अभी तक इस संबंध में कह पाना मुश्किल है, लेकिन जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश में वेद प्रकाश जोशी बनाम स्टेट व अन्य में पारित निर्णय के क्रम में अतिक्रमण हटाने को लेकर गठित कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 31 दिसंबर को शाम 5:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। इसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सतर्कता ने जिला पुलिस अधीक्षक, एडीएम, आयुक्त नगर परिषद व यूआईटी सचिव को सूचना भिजवा दी है। इन सभी अधिकारियों को अब तक की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। अतिक्रमण हटाने का निर्णय क्या रहेगा ये बैठक में तय होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप ही प्रशासन की कार्यप्रणाली रहेगी। अब सवाल ये है कि अगर जनप्रतिनिधि इस मामले में रुचि नहीं दिखाते हैं तो जिला प्रशासन इस मामले में आगे से आगे बैठकों पर टालता रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि याचिकाकर्ता वेद प्रकाश जोशी का निधन हो चुका है, इस मामले को इनका बेटा देख रहा है। गौरतलब है कि अतिक्रमण हटाने के अभियान के दौरान श्री गंगानगर शहर में खूब अफरा तफरी का माहौल रहा था। हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अतिक्रमण तो हटा दिए, लेकिन नागरिकों को किसी तरह की गाइडलाइन आज तक नहीं दी गई। वे कहां तक निर्माण करें, ना ही ये बताया कि नालियां कहां बनेगी। उस दौरान जहां एक तरफ अतिक्रमण हटाने की प्रशंसा हुई, वहीं दूसरी तरफ लोगों में रोष भी था। हाईकोर्ट के आदेश की वजह से कोई भी जनप्रतिनिधि खुलकर विरोध नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, कुछ लोगों ने गाइडलाइन की मांग जरूर की। तो इसी तरह की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एसबीटी न्यूज और बने रहिए हमारे साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।